तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, पहले समझा देता हूं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड मींस एच प्लस आयन और बेस मींस ओएच माइनस आयन मिलाने पर जिनके पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। सो बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज एच प्लस आयन और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस दैट इज ओएच माइनस आयन। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाने पर जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसे रोकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशंस कहा जाता है। यहां मैं आपसे ये चीज और कहूंगा, इवन ऑन डाइल्यूशन मींस व्हाट, पानी मिलाने पर भी सच सॉल्यूशन कैन रेजिस्ट देयर पीएच, मतलब पानी मिलाने पर भी ऐसे सॉल्यूशंस के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी मिलाने पर भी ऐसे सॉल्यूशंस के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, अ सॉल्यूशन उस पीएच इज नॉट ऑल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ईदर स्ट्रॉन्ग एसिड एच प्लस आयन और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि ओएच माइनस आयन, इज कॉल्ड द बफर सॉल्यूशन। लिख देता हूं, नो चेंज इन पीएच of such solution even on dilution पानी मिलाने पर भी ऐसे solutions के pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे solutions को हम क्या कहते हैं, buffer solution कहते हैं। Now बफर सॉल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। बफर सॉल्यूशन को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, बफर सॉल्यूशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन से हैं वो दो भाग? सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ द सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस का सॉल्यूशन, सिंगल सब्सटेंस के सॉल्यूशन का बफर क्या है? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अब सर सॉल्ट किससे बनता है? सॉल्ट तो एसिड और बेस से बनता है। एसिड और बेस के तो आपने चार तरह के कॉम्बिनेशन बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहां चौथा वाला केस यूज करना है। तो द सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन, किस सॉल्ट का सॉल्यूशन? जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है, वो बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ द एग्जांपल इज अमोनियम एसीटेट इज CH3COONH4। This is the salt of acetic acid that is CH3COOH and ammonium hydroxide that is NH4OH. This acetic acid is a weak acid and this ammonium hydroxide is a weak base. Example, NH4CN, again it is formed through NH4OH which is a weak base and HCN which is a weak acid. ऐसे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कौन से बफर सॉल्यूशन की तरह? बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ऐसे सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में H प्लस आयन या OH माइनस आयन मिलाने पर या इवन पानी मिलाने पर ऐसे सॉल्यूशंस के पीएच में कोई विशेष चेंज नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं सच सॉल्यूशन कैन रेजिस्ट देयर पीएच। सेकेंड इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर आ गया, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि भैया दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। जब मैं एसिडिक बफर की बात करता हूं तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड
एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूं, वीक एसिड यानी कि डब्ल्यू ए प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस. वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट. एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड दिस इज इट्स सॉल्ट. इसे मैं और कैसा कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं इट इज सी एच थ्री सी ओ एच दैट इज वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस यानी कि सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस. बेसिक बफर. It is the solution of a mixture of weak base and salt of this weak base with strong acid. वैसा का वैसे ही है. Weak base and salt of this weak base with strong acid. या मैं कहूं it is weak base यानी कि WB plus its conjugate acid. Its conjugate acid. NH4OH हमें पता है it is a weak base. NH4Cl the salt of weak base with strong acid. मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं NH4+ as NH4+ is the conjugate acid of ammonia that is NH3. Examples of the buffer solutions. Thalic acid plus potassium hydrogen thalate. Thalic acid is a weak acid and potassium hydrogen thalate is the salt of thalic acid with strong base. Citric acid and sodium citrate, weak acid and salt of that weak acid with strong base. Boric acid and borax, weak acid, salt of weak acid with strong base. कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 एंड NaHCO3. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बफर है. सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये ही वाला बफर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है. अवर ब्लड ह्यूमन ब्लड इज अ एसिडिक बफर. जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है, वो एसिडिक बफर है. किसका बफर है, वीक एसिड का, और उस वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का. कौन सा वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3. कौन सा वो सॉल्ट है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस सिस्टम इज फाउंड इन ब्लड एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड क्लोज टू 7.4. पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड लाई बिटवीन 7.36 टू 7.42. अ चेंज इन पीएच बाय 0.2 यूनिट मे कॉज डेथ. मतलब अगर ब्लड का पीएच चेंज हुआ तो हम भगवान को प्यारे हो सकते हैं. भगवान को प्यारे हो सकते हैं. तो ब्लड का पीएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ब्लड का पीएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है. लेकिन अगर आप यहां पर एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हो जो बड़ी मजेदार है, वो क्या, पीएच कितना, पीएच 7.4. भैया सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक बफर. तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा बफर सॉल्यूशन है जो है तो एसिडिक लेकिन पीएच जो है वो उसका 7 से ज्यादा है. तो यही एकमात्र बफर ऐसा है जो है तो एसिडिक लेकिन उसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है. और ये मानव रक्त, मतलब हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में पाया जाता है. NaH2PO4 एंड Na3PO4. NaH2PO4 Na2HPO4 ग्लिसरीन प्लस HCl. पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मेंटेन बिटवीन 1.6 एंड 1.7 ड्यू टू द बफर सिस्टम. ना बफर क्या है सर, ये तो पता चल गया. अच्छी बात है. कितने भागों में डिवाइड किया, सर ये भी पता चल गया. सर अब तो ये बताओ कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करते कैसे हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच सॉल्यूशन ऑफ बफर.
बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं कहूंगा बच्चों, बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, जिसे हम केवल हेंडरसन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। पीएच ऑफ एन एसिडिक और बेसिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसिडिक बफर? द फॉर्मूला ऑफ पीएच इज पीकेए प्लस लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। एक्चुअली दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स और मिलीमोल्स। सर हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल्स? बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सर हाउ कैन वी कैलकुलेट मिलीमोल्स? बेटा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सो व्हाट इज पीके? बेटा इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का नेगेटिव लॉग। के इज व्हाट द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पीके इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। नाउ दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन सॉल्ट अपॉन एसिड इज 10, व्हेन दिस वैल्यू इज 10, देन लॉग 10 बिकम्स व्हाट? इट इज 1। Then pH become what? pKa plus 1. And when salt upon acid is 1 by 10, then it is 10 raised to power minus 1. Log of 10 raised to power minus 1 is minus 1. Then pH becomes pKa minus 1. And when salt upon acid is equal to 1. सॉल्ट अपॉन एसिड 1, तो लॉग 1 इज 0, तो पीएच इज इक्वल टू व्हाट? पीकेए। पीएच इज इक्वल टू व्हाट? पीएच इज इक्वल टू पीकेए। तो यहां ये बात क्यों की जा रही है? यहां ये बात इसलिए की जा रही है कि अगर कोई बफर सॉल्यूशन बन रहा है वीक एसिड से, तो उस वीक एसिड के जो पीकेए की वैल्यू होगी ना, उसके द्वारा फॉर्म बफर सॉल्यूशन का पीएच विल लाई बिटवीन पीकेए प्लस माइनस 1। पीकेए प्लस माइनस 1 के बीच में ही वो लाई करेगा। सो वीक एसिड में बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द बफर सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू लाई बिटवीन द रेंज ऑफ पीकेए प्लस 1 एंड पीकेए माइनस 1, जो बात मैंने अभी आपसे की। फॉर एग्जाम्पल, द एसिडिक एसिड हैज अ पीकेए ऑफ अबाउट 4.8। तो बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एसिडिक एसिड हैज द पीएच वैल्यू लाई बिटवीन 3.8 टू 5.8, दैट इज पीकेए प्लस माइनस 1। फॉर बेसिक बफर दिस फॉर्मूला बिकम्स पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। दिस इज अगेन द मोल्स और मिलीमोल्स। Moles or millimoles. PKB is what? It is the minus log of KB. So KB is what? It is the dissociation constant of weak base. Knowing the pOH, pH can be calculated by the application formula. Wahi hamesha ki tarah hamara aapka pyara pH plus pOH is equal to 14. pH of buffer solution does not change with dilution, but it vary with temperature. Abhi bataya tha. बफर सॉल्यूशन का पीएच डज नॉट चेंज इवन ऑन डाइल्यूशन, पानी मिलाने पर भी नहीं बदलेगा। हां, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वैल्यू बदल सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो केडब्ल्यू की वैल्यू बदलती है। हमें पता है पीएच प्लस पीओएच पीकेडब्ल्यू होता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर हम 14 लिखते हैं, तो याद रखिएगा बफर सॉल्यूशन का पीएच कैन वेरी विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी चेंज। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या है? इट इज द पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन थ्रू विच इट कैन चेंज इट कैन रेजिस्ट इट्स पीएच। क्योंकि बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन वो है जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की वो पावर
बफर सॉल्यूशन की वो पार जिसके द्वारा वो पीएच चेंज को विरोध करते हैं, पीएच चेंज का रेजिस्ट करते हैं, उस पार को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। नाउ हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, बफर कैपेसिटी को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन द चेंज इन पीएच। Thus, greater the buffer capacity, the greater is its capacity to resist change in pH value. Buffer capacity is greatest when the concentration of salt and weak acid are equal. Means when pH is equal to pKa, then there will be maximum buffer capacity. Or pOH is equal to pKb, then there will be the maximum buffer capacity. And this is the most important part. Most important part. क्वेश्चन आएंगे बफर सॉल्यूशन पर, बफर सॉल्यूशन टॉपिक तो खत्म हो गया है। चलिए, बोल रहा है अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर ऑफ अमोनिया एंड 1 मोलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया मतलब NH3, बच्चों याद रखना है जो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो हमें दे रखा है 0.1 यानी कि 10^-1। ये हो गया मेरे पास बेस एंड 1 मोलर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, कितना 1 मोलर, और ये क्या है, ये है सॉल्ट। At 298 Kelvin, the pKb of NH4OH is 5. pKb कितना दे रखा है? दे रखा है 5. What we have to find out? We have to find out pH. ये सारा डाटा मेरे पास है और इस डाटा को देखकर मैं आपसे कहूंगा कि जल्दी से बताओ ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। आप कहोगे अरे सर ये तो वीक एसिड है। नहीं 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 सर, ये तो वीक बेस है और ये क्या है, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। सर ये वाला जो बफर सॉल्यूशन है, दिस बफर सॉल्यूशन इज बेसिक। मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ओ H, and after the calculation of pOH, we can easily calculate the value of pH. So pOH is equal to pKb plus log of salt upon base. सॉल्ट क्या दिया हुआ है 1, बेस क्या दिया हुआ है 0.1, तो 1 अपॉन 0.1 इज व्हाट सर, इट इज 10, लॉग 10 इज व्हाट सर, इट इज 1, तो पीओएच कितना आ गया आपके पास, पीओएच आ गया 6, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, पीएच मुझे पता है, pH plus pOH is equal to क्या होता है, pH plus pOH is equal to होता है 14, so pH becomes 14 minus pOH that is 6, it is 8, so 8 will be your answer, 8 will be your answer. ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस एंड एच एक्स, द के ए फॉर एच एक्स इज 10, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज। तो कोई बफर सॉल्यूशन है जिसमें वो हमसे कह रहा है कि सॉल्ट यानी कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। के ए की वैल्यू हमें दे रखी है, कुछ गड़बड़ है,
के ए की वैल्यू यहां पर हम मान लेते हैं 10^-10। दिस इज 10^-10। लेकिन ये के ए किसके लिए दिया हुआ है? एच एक्स के लिए दिया हुआ है। तो द पी एच ऑफ द बफर इज, तो मुझे पता है पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड, तो हम इसे मान लें क्या 10^-10 माना है ना, हम इसे मान लेते हैं 10^-8 मान लेते हैं, मिसप्रिंटिंग था, 10^-8। तो अगर के ए 10^-8 है तो पी के ए कितना होगा? पी के ए होगा 8। कितना होगा? 8। तो पी एच कितना हो गया? सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये हो गया लॉग वन। लॉग वन कितना होता है? लॉग वन होता है 0। तो पी एच बराबर कितना आ गया? पी एच बराबर आ गया 8। पी एच कितना आ गया? पी एच आ गया है 8। इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। चूंकि डाटा में स्प्रिंट था तो मैंने उसे अपने मन से 10^-8 अज्यूम कर लिया है। आगे क्वेश्चन, the addition of sodium acetate to 0.1 molar acetic acid will cause, अगर मैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर बना रहा हूं तो ये क्या है? ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है सर? इट इज वीक एसिड। वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट किस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करता है बफर सॉल्यूशन का। क्या बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज होता है? आप कहोगे सर नहीं होता है, तो नो चेंज इन पीएच। सो दिस इज योर क्वेश्चन अगेन, इट इज वेरी सिंपल। चलिए, an amphiprotic buffer solution in which concentration of H plus ion and HX is same, the value of Ka of HX is 10^-8, then pH of buffer solution is, तो बेटा फिर से हमें क्या करना है? हमें Ka की वैल्यू दे रखी है, (10^-8), तो पी के ए कितना आ जाएगा? पी के ए आ जाएगा हमारे पास 8। पी के ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें H प्लस आयन का और एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आपको पी एच ऑफ दी बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। बेटा केवल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। इट इज द रिएक्शन ऑफ द कैटायन और द एनायन और बोथ द आयन्स ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस ईदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड प्लस बेस gives us salt and water.
एसिड प्लस बेस गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर. तो सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स अस व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स अस एसिड एंड बेस. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. लेकिन एक बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, हम किस प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ये बात बहुत समझने वाली है. When a salt is added in water and pH of water start changing, जब मैं water में किसी salt को मिला रहा हूँ और salt को मिलाने के बाद मैं क्या observe कर रहा हूँ कि जो water है उसका pH change हो रहा है. हमें पता है water is neutral, तो water का pH कितना होता है, 7. Salt को मिलाने पर या तो water का pH 7 से कम हो रहा है या तो water का pH 7 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब water का pH change हो रहा है. Only then the process is known as salt hydrolysis. उसी केस में हम उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, salt hydrolysis देंगे. In that case, it is known as salt hydrolysis. अगर salt मिलाने पर water का pH change नहीं हो रहा है, मतलब वो process salt hydrolysis की नहीं है. तो salt hydrolysis is related with the change in pH of water. Salt hydrolysis क्या होता है? Water के pH में change होने को हम कहते हैं salt hydrolysis. सॉल्ट वाटर में मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है मतलब वाटर के पीएच में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन इट इज नो हाइड्रोलिसिस. अगर वो एसिडिक है देन इट इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और अगर ये बेसिक है देन इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस. तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मीन्स वॉट एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस मीन्स वॉट, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो सॉल्ट है और उसका नेचर है वो क्या है, सॉल्ट और उसका नेचर क्या है. तो सॉल्ट मैंने आपको बताया था इन चार कॉम्बिनेशन से बनता है. एस ए मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी न्यूट्रल, मीन्स देयर पीएच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और उनका पीएच क्या होता है, उनका पीएच होता है 7. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से फॉर्म सॉल्ट होते हैं एसिडिक. याद रखें जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट का नेचर डिसाइड करेगा. तो यहां स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, इसका मतलब सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक, पीएच होगा लेस देन 7. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से वही जिसकी लाठी उसी की भैंस, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब सॉल्यूशन होगा बेसिक, बेसिक होगा तो पीएच होगा ग्रेटर देन 7.
वीक एसिड एंड वीक बेस, ये सॉल्यूशन बेटा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। बोले सर ऐसे कैसे, तो मैं कहूंगा ऐसे कि वीक एसिड के लिए हमारे पास होता है Ka और वीक बेस के लिए हमारे पास होता है Kb। तो अगर बेटा Ka Kb से बड़ा है, Kb Ka से बड़ा है, Ka और Kb बराबर हैं, Ka Kb से बड़ा है, Kb Ka से बड़ा है और Ka और Kb बराबर हैं इस केस में, तो जब Ka Kb से बड़ा है तो सॉल्ट होगा एसिडिक, क्योंकि Ka की वैल्यू ज़्यादा मतलब एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, Kb की वैल्यू ज़्यादा मतलब बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा, और Ka और Kb जब बराबर तो सॉल्ट इज न्यूट्रल, तब सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये केस हमारे पास है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि सॉल्यूशन सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होगा। हमने बोला इट इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मींस व्हाट, कैटायन ऑफ वीक बेस इज रिस्पॉन्सिबल, सर कैटायन ऑफ वीक बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो मैं कहूंगा कैटायन ऑफ वीक बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पीएच ऑफ वाटर, वाटर के पीएच में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वीक बेस के कैटायन की वजह से हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। यही वजह है कि हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है जी। एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब सॉल्ट होगा बेसिक, सॉल्ट बेसिक कब होगा, जब वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, मींस एनायन रिस्पॉन्सिबल है लेकिन किसका, वीक एसिड का, एनायन ऑफ वीक एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और हम देखते हैं कि वाटर का पीएच क्या हो रहा है, वाटर का पीएच चेंज हो रहा है, देन द प्रोसेस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये हम देखते हैं दो प्रकार का है, कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब एसिडिक सॉल्ट को मिलाया जाएगा, वाटर का पीएच चेंज तो होगा लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा, सर कैटायन ऑफ वीक बेस इज रिस्पॉन्सिबल। अगर सॉल्ट बेसिक है तो इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, मींस वाटर के पीएच चेंज के पीछे कौन जिम्मेदार है, एनायन जिम्मेदार है। किसका एनायन जिम्मेदार है, एनायन ऑफ वीक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पीएच ऑफ वाटर। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी गेट दिस, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस, from this equation we get this, Ba is a salt plus H2O is water is in equilibrium with Ha plus BOH, Ha plus BOH। तो मैंने क्या देखा, मैंने बी ए टाइप के सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, एच ए टाइप का एसिड और बी ओ एच टाइप का बेस। एक और चीज याद रखिएगा, सॉल्ट में वी हैव कैटायन और एनायन, इन सॉल्ट वी हैव व्हाट, वी हैव कैटायन एंड वी हैव एनायन। तो कैटायन बिलोंग्स टू बेस, कैटायन कहां से आता है, बेस से, और एनायन बिलोंग्स टू एसिड, और एनायन कहां से आता है, एसिड से आता है। यही वजह है कि मैंने इस बी ए टाइप के सॉल्ट में एच ए टाइप का एसिड बनाया है और बी ओ एच टाइप का बेस बनाया है। मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं,
मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है। क्या पता है? ये पता है कि जब भी कोई सॉल्ट बनेगा, जब भी कोई सॉल्ट बनेगा तो उस सॉल्ट का कैटायन कहाँ से आएगा? बेस से आएगा। और एनायन कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी गेट, देखिए वही प्रोडक्ट कि कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ये रहा, अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ये रहा, इट विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के। याद आ रहा हो तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट। तो हम इस के साथ इस H2O का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है KH, एंड दिस KH इज द हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट। ये KH क्या है? ये KH हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट कहलाता है, नॉट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वैसे ही डिग्री ऑफ क्या है? हाइड्रोलिसिस है। सर क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल सॉल्ट व्हिच इज हाइड्रोलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, इफ 90% ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज हाइड्रोलाइज्ड, देन इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 0.90, और 90% इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। h क्या है? H है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन, वही जो बात मैंने अभी आपसे की थी। ये मेरे पास बेटा क्या आ गया? मेरे पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आ गए, उनके लिए KH की वैल्यू आ गई, उनके लिए H की वैल्यू आ गई, और उनके लिए pH का फॉर्मूला आ गया। ये बेटा हमें लर्न करना होता है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, KH होगा KW अपॉन KA, H होगा रूट ओवर KH अपॉन C, ये इसका फॉर्मूला है pH का। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, KH इज KW अपॉन KB, ये मेरे पास pH का फॉर्मूला है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड वीक बेस, ये मेरे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? उसके pH का। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, pH इज इक्वल टू 1/2 PKW प्लस PKB प्लस लॉग सी, PKa प्लस लॉग सी। इसे लिख सकता हूं 1/2 PKW प्लस PKB माइनस लॉग सी। ये है PKW प्लस PKa माइनस PKB। मतलब वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा, वो उसका pH सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका pH सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात हमें दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला हमें याद रखने पड़ेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, क्यों? बिकॉज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, एंड व्हेन अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज एडेड इन वाटर देन देयर विल बी नो चेंज इन द pH ऑफ वाटर। तो वाटर के pH में कोई चेंज नहीं होता है, वाटर के pH में कोई चेंज नहीं होता है, हेंस द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रल। रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इन वॉटर, इनमें से कौन सा सॉल्ट वॉटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है। वॉटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है मतलब वॉटर के पीएच को चेंज नहीं करता है। कौन से सॉल्ट वाटर के पीएच को चेंज नहीं करते हैं? सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर के पीएच को चेंज नहीं करते हैं। तो मेरे पास आ गया KClO4, इट इज अ सॉल्ट ऑफ KOH, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड HClO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हियर इज योर आंसर। The pH value of 0.001 molar solution of NaCl is, सबसे पहले ये देखो कि NaCl salt है। हाँ सर NaCl salt है, चलो लिख देता हूं। NaCl is the salt, किसका salt है? NaOH और HCl का सॉल्ट है। NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड। जल्दी से मुझे बताना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म सॉल्ट क्या होते हैं? सर ये तो न्यूट्रल होते हैं, मतलब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है न्यूट्रल। और बेटा अगर न्यूट्रल है तो पीएच क्या होगा? पीएच होगा 7। पीएच क्या होगा? पीएच होगा 7। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रखा है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रहा है, जिससे इस वैल्यू को देखकर मैं कंफ्यूज हूं और क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाऊं। आंसर इसका हो गया कितना? 7, दैट इज 8।